हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता, जिसे हम बहुत कम समय में और सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी है कि आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे, बस इसे ही बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर हम व्हाइट वाले ब्रेड लिए हैं, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, व्हाइट हो या ब्राउन हो। और इसके बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पर एक उबले हुए मीडियम साइज के आलू, और आलू को हम इस ग्रेटर के हेल्प से इसको कद्दूकस कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ, और 1/4 कप शिमला मिर्च लिए हैं बारीक कटा हुआ, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, और इसमें हम डालेंगे 2 हरा मिर्च बारीक कटा हुआ। हरा मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, और यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी करी पत्ता, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और इस नाश्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो इसके जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे डो फॉर्म में लाना है। इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि 1 से 2 चम्मच, और इसके बाद हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह से। और थोड़ी ही देर में ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 बाउल, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मैदा और कॉर्नफ्लोर के जगह पर आप चावल के आटा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच ऑर्गेनो। ऑर्गेनो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी बना सकते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ, इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से पतला होना चाहिए। तो घोल हमारा तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमारा मिक्सर भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसमें से हम लेंगे मिक्सर, तो यहाँ पर हम बड़ा सा लोई लेंगे मिक्सर का, और इसे हम हथेली पर रख कर घुमाते हुए इसे हम टिक्की के शेप दे देंगे। हथेली में हम तेल अप्लाई कर लिए थे, इससे क्या होगा, ये हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसके बाद इसके किनारे को भी हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम एक नाश्ता को बना लिए हैं, और इसी तरह से हम बाकी नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हम सारे नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ गैस पर हम एक पैन रख दिए हैं, और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे, और ऑयल को गर्म होते ही हम यहाँ पर जो घोल बना के रखे थे ना मैदा और कॉर्नफ्लोर को, उसको ले लेंगे, और उसमें हम इस नाश्ता को यानी इस टिक्की को अच्छे से डिप कर लेंगे, और सावधानी से इसे हम तेल में डाल देंगे। और एक बार में जितना पैन में आ सकता है उतना डाल लेना है। और गैस के फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा। थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट लेंगे, यानी कि 1 मिनट के बाद इसे हम पलट कर दूसरे साइड भी पकने देंगे। तो इस तरह से एक एक करके इन सबको हम पलट लिए हैं, और इसे हम थोड़ी देर दूसरे साइड भी पकने देंगे। इसके बाद इसे हम फिर से पलट लेंगे। तो इसी तरह से इसे अलटते पलटते दोनों साइड क्रिस्पी होने तक, यानी कि गोल्डन कलर होने तक पका लेना है। तो ये देखिए, इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, यानी कि क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बन के तैयार होता है, एक खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। समोसा, कचौड़ी सब इसके सामने फेल है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय, टेक केयर।